चलिए आज सीखेंगे किसी की मुस्कुराहटों पे निसार फ्रॉम द मूवी अनाड़ी। इसका पूरा गाना स्टार्ट से लेके एंड तक सीखते हैं। सी माइनर स्केल का सॉन्ग किसी की मुस्कुराहटों पे निसार। अब करना क्या है, पांचवा फ्रेट थर्ड स्ट्रिंग और तीसरा फ्रेट फर्स्ट स्ट्रिंग, यहाँ पे लेना है रिंग और यहाँ लेना है इंडेक्स। अब तीसरा और पहला स्ट्रिंग बजाया हमने सिंगल सिंगल स्ट्रोक, सेकंड टाइम अब रिंग पे डबल स्ट्रोक और इंडेक्स पे सिंगल स्ट्रोक कंबाइन किया। अब चौथा तीसरा दूसरा पहला, चौथे तीसरे दूसरे ये नंबर के स्ट्रिंग्स पे डबल स्ट्रोक बजाने हैं और फर्स्ट नंबर के स्ट्रिंग पे सिंगल स्ट्रोक बजाना है। एक दो एक दो एक दो एक और पांचवा पांचवा चौथा तीसरे नंबर का फ्रेट आएगा। इतना समझ में आया? अब वापस पहला ही लूप रिपीट हो रहा है। अब यहां पे क्या चेंज हुआ, इंडेक्स मिडल इंडेक्स। अब यहां इंडेक्स पे लेने हैं चार स्ट्रोक। वो चार स्ट्रोक कैसे लेने हैं, डाउन डाउन अप डाउन, सेम कॉम्बिनेशन मिडल पे, यानी डाउन डाउन अप डाउन और इंडेक्स पे सिंगल स्ट्रोक डाउन। कंबाइन करेंगे, स्पीड में बजाएंगे इसको तो कैसे सुनाई आएगा। अब इसके माइनर सी, इसके बाद सी माइनर कॉर्ड सस्टेन करना है और यहां से आपका मुखड़ा शुरू हो जाएगा। ये था इंट्रो का सेक्शन। मुखड़े में एकदम सिंपल टेक्निक है, 3-2-1 स्ट्रिंग, पांचवा चौथा तीसरा फ्रेट और फिंगर वहीं रखने हैं और अब क्या किया मैंने, 3-2-3-1 यानी, और इसको कंबाइन करना है कैसे, और ये लूप लेना है पांच बार, यानी किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार। ये हो गए तीन लूप। किसी का दर्द मिल सके, ये हो गए दो लूप। इसके बाद तोले उधार, रिंग इंडेक्स मिडल लिटिल, रिंग था थर्ड स्ट्रिंग में, इंडेक्स मिडल लिटिल सेकंड स्ट्रिंग, 3, 4 और 6 नंबर का फ्रेट। सो कंबाइन किया, किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार। अब इंडेक्स मिडल इंडेक्स लिटिल, ये सीक्वेंस ट्वाइस लेना है। किसी के वास्ते होते, अब वापस लिया इंडेक्स थर्ड फ्रेट और गिनती है किसी के वास्ते होते रे। अब मिडल दिल में, मिडल सेकंड में, रिंग थर्ड में और वापस मिडल फर्स्ट स्ट्रिंग में, दिल में प्यार। सो कंबाइन किया, किसी के वास्ते होते रे दिल में प्यार। अब मिडल लिटिल लिटिल, सब पहले स्ट्रिंग पे चल रहा है, चौथा छठवा सातवा और गिनती है जीना इसी का। सो 4-6-7-6-4 जीना इसी का और लिटिल मिडल इंडेक्स 6-4-3 नाम है जीना इसी का नाम है। ये आपका मुखड़ा हो गया फिनिश। अब M1 यानी म्यूजिक वन के लिए कुछ भी नहीं, वही सेम जो इंट्रो में हमने किया था, यानी 4-3-2 नंबर की स्ट्रिंग, 5-4-3 नंबर का फ्रेट। अब क्या किया, डायरेक्ट हमने शिफ्ट किया है लिटिल,
आठवीं फ्रेट में फर्स्ट स्ट्रिंग में और मिडल छठवीं फ्रेट में। अब यही लूप सेकंड टाइम यानी तीन चार और तीन नंबर की फ्रेट में पहले स्ट्रिंग पे दोनों कंबाइन किए कैसे आएगा टू सुर सुनाई या टोन कैसे तैयार होगा। ठीक है इतना क्लियर हो गया। अब आगे में मिडल इंडेक्स लिटिल इंडेक्स सेकंड स्ट्रिंग फर्स्ट स्ट्रिंग सेकंड स्ट्रिंग फर्स्ट स्ट्रिंग चौथा फ्रेट तीसरा फ्रेट छठवां फ्रेट तीसरा फ्रेट ये बजाना है दो बार। अब मिडल लिटिल मिडल इंडेक्स रिंग सिर्फ रिंग गया थर्ड स्ट्रिंग पे बाकी जितना भी आपने बजाया है वो बजाना है आपको सेकंड स्ट्रिंग पे। मिडल यानी मिडल लिटिल मिडल इंडेक्स रिंग टंग 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 सब कंबाइन करके दिखा तो यहां तक का अब ये यहां से जो आगे का सेक्शन है ये स्ट्रिंग्स का वायलिन्स के सेक्शंस बज रहे हैं एकदम इजी टेक्निक है इसकी। आप जहां रुके उसके ब्लास्ट बटन वाले नोट से नेक्स्ट लूप शुरू हो रहा है यानी इंडेक्स लिटिल मिडल इंडेक्स फर्स्ट स्ट्रिंग लिटिल सेकंड स्ट्रिंग तीसरा फ्रेट छठवां फ्रेट तारारा मिडल गया चौथी फ्रेट में पहले स्ट्रिंग में फिर इंडेक्स लिटिल मिडल तीसरा फ्रेट छठवां फ्रेट चौथा फ्रेट इंडेक्स था पहली स्ट्रिंग में लिटिल और मिडल सेकंड स्ट्रिंग में सब कंबाइन किया ये पहला लूप। अब ये दूसरा लूप यहां पे क्या किया लिटिल मिडल सेकंड स्ट्रिंग इंडेक्स फर्स्ट स्ट्रिंग फिर लिटिल मिडल इंडेक्स सेकंड स्ट्रिंग छ चार तीन ये नंबर की फ्रेट्स। अब लास्ट बट वन बोला था तो अब ये लास्ट था उससे पहले का यानी ये अब मिडल इंडेक्स रिंग दूसरा दूसरा स्ट्रिंग और ये रिंग गया तीसरे स्ट्रिंग पे। अब इंडेक्स रिंग मिडल सेकंड स्ट्रिंग थर्ड स्ट्रिंग थर्ड स्ट्रिंग तीसरा फ्रेट चौथा फ्रेट सॉरी तीसरा फ्रेट पांचवा फ्रेट और चौथा फ्रेट सब कंबाइन किया। अब रिंग मिडल लिटिल रिंग तीसरा स्ट्रिंग तीसरा स्ट्रिंग चौथा स्ट्रिंग चौथा स्ट्रिंग और पांचवी फ्रेट चौथी फ्रेट छठवीं फ्रेट पांचवी फ्रेट सब कंबाइन करते ये हो गया आपका M1। इसके बाद यहां से डायरेक्ट आपको जंप करनी है 11th फ्रेट में और पहला स्ट्रिंग रिंग लिटिल दो बार फिर इंडेक्स 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 सब पहले स्ट्रिंग पे चल रहा है 11 10 8 7 8 7 8 तो ये बजा क्या मान अपनी जेब से पकी र है के लिए रिंग लिटिल 10वें और 11वें फ्रेट में सब कंबाइन करते हैं। इसके बाद छोटा सा एक पीस है गिटार का बोलिए या मैंडोलिन पे बोलिए वो बज रहा है सेकंड स्ट्रिंग फर्स्ट स्ट्रिंग फर्स्ट स्ट्रिंग फर्स्ट स्ट्रिंग इंडेक्स इंडेक्स आठवीं फ्रेट में रिंग और लिटिल दसवीं और ग्यारहवीं फ्रेट में कंबाइन किया। अब फिर भी यार दिल के हम वही लूप चल रहा था वही जहां तक आपने जो पहला सीखा माना अपनी जेब से फकीर है इसी का रिपीटेशन है फिर भी यार दिल के हम
यहां से डायरेक्ट तीसरी फ्रेट में जंप कीजिए। यहां पे लेना है आपको इंडेक्स मिडल पहले स्ट्रिंग में, तीसरी और चौथी फ्रेट में, लिटिल गया छठवीं फ्रेट सेकंड स्ट्रिंग और इंडेक्स पहले स्ट्रिंग में तीसरी फ्रेट में। फिर भी यारो दिल के हम अमीर है। अब इसके बाद रिंग मिडल मिडल तीसरा स्ट्रिंग दूसरा स्ट्रिंग पहला स्ट्रिंग और इंडेक्स लिया तीसरी फ्रेट में पहले स्ट्रिंग पे पा 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 पा। ये भी छोटा सा गिटार का पीस है। और इसके बाद क्या आ रहा है, मिटे जो प्यार के लिए वो जिंदगी, आपने जो मुखड़ा बजाया था किसी की मुस्कुराहटों पे, एज इट इज उसका वैसे के वैसा ही रिपीटेशन है, कुछ भी चेंज नहीं है उसके अलावा। मैं सिर्फ गिनती पे बजा के बता रहा हूँ और गा के बता रहा हूँ। मिटे जो प्यार के लिए वो जिंदगी, जले बहार के लिए वो जिंदगी, कहेगा फूल हर कली से बार बार, जीना इसी का नाम है। अब इसके बाद जो म्यूजिक का पीस आ रहा वो जैसे के वैसा M1 जैसा था, सिर्फ एक सुर का चेंज है। वो क्या है, एक सुर पहली बार हमने यहां ये किया था, स्टॉप लिया था, सेकंड टाइम में ये एक्स्ट्रा नोट बज रहा है, बाकी कुछ भी चेंज नहीं है। मैं M2 बजा के बता रहा हूं। जैसा पहला अंतरा था वैसा ही दूसरा अंतरा है, उसमें कुछ भी चेंजेस नहीं है। अब आखिरी में क्या हो रहा है, ये जो हमने पीस बजाया था अभी, ये तीन बार लेना है आपको लास्ट में। और यहां पे तीसरी बार में आपको छठवीं फ्रेट पहले स्ट्रिंग में स्टॉप करना है। सो दोस्तों, आपको अगर ये ट्यूटोरियल पसंद आया होगा तो जरूर इसको शेयर लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। मेरे चैनल का नाम है मनीष मुरेकर गिटार ट्यूटोरियल। थैंक यू। तो चलिए अभी सीखते हैं हैप्पी बर्थडे टू यू की ट्यून। इसका बेसिकली बेस है सी मेजर स्केल। अगर आप सी मेजर स्केल नहीं जानते होंगे तो इसका ट्यूटोरियल भी मैंने मेरे यूट्यूब चैनल पर डाला है, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दी है, यू कैन वॉच देयर, आप वहां देख सकते हैं। तो सीखते हैं हैप्पी बर्थडे टू यू की ट्यून। ये है सी मेजर स्केल। आप ध्यान देंगे तो सिर्फ नीचे की तीन स्ट्रिंग का काम है और पांचवी से लेके आठवीं फ्रेट तक का ही काम है। सिर्फ एक सुर लो पिच का नी यहाँ चौथी फ्रेट में तीसरे स्ट्रिंग पे आ रहा है, बाकी कुछ भी काम नहीं है। इधर उधर आपके फिंगर भी नहीं लेके जाने हैं, मैं आराम से बता रहा हूँ, फिर से देख लीजिए। 1 3 1 3 1 2 4 1 3 4 ये हो गए आपके सी मेजर स्केल के सुर। सा रे ग म प ध नी सा सा नी द प म ग रे सा। अब इसमें करना क्या है, सा सा रे सा म ग, सा सा रे सा प म, सा सा सा। अब ये जो सा आ रहा है ये आखिरी सा है, हाई पिच का सा, सा 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 ध प म ग।
अब जो नी आ रहा है ये हमारा सी मेजर स्केल का शुद्ध नी था, अब इसकी जगह कोमल नी आ रहा है यानी फ्लैटेड नी आ रहा है। नी नी ध म प म हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर। और ये डियर के बाद ये जो म ग, ये जो यहाँ पे आप जिन पर्सन को आप डेडिकेट कर रहे हो, मे बी वो आपकी गर्लफ्रेंड हो सकती है, मम्मी हो सकती है, पापा हो सकते हैं, या वॉट एवर जो भी आपके नियर वन डियर वन हैं, यहाँ पे उनका नाम आएगा तो उनके नाम के हिसाब से यहाँ पे स्ट्रोक्स कम ज़्यादा होने वाले हैं। फॉर एग्जाम्पल हैप्पी बर्थडे डियर अभिजीत, सो अभिजीत, तो नाम बड़ा था उस हिसाब से यहाँ के स्ट्रोक्स एडजस्ट करने। ऋषिकेश, मनीष, पूजा, तो इस हिसाब से आपको यहां पे स्ट्रोक्स की एडजस्टमेंट करनी है। और आखिरी हैप्पी बर्थडे टू यू, तो चलिए अभी सीखते हैं नेशनल एंथम। नेशनल एंथम यानी जनगण मन का बेस भी सी मेजर स्केल ही है, जिसका ट्यूटोरियल मैंने ऑलरेडी यूट्यूब पे मेरे चैनल पे अपलोड करके रखा है, आप उसको भी देख लीजिए, क्योंकि बेस वही है। अगर वो आपका क्लियर होगा तो आपको जनगण मन सीखने में बिल्कुल दिक्कत नहीं जाएगी। ओके, सो शुरू करते हैं जनगण मन सी मेजर स्केल। वापस आपके लिए रिपीट कर रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। सारे गामा पदनी सा, 1 3 1 2 4 1 3 4, पांचवा सातवां फ्रेट, पांचवा छठवा आठवां फ्रेट, पांचवा सातवां और आठवां फ्रेट। अब इसमें सिर्फ एक जो नी है ये हमारा नॉर्मल नी था, एक नी जो आने वाला है जनगण मन में ये लो पिच का नी है, बस इतना ही एक एडिशनल नोट चौथी फ्रेट थर्ड स्ट्रिंग पे आने वाला है, बाकी इन्हीं सात सुरों का काम है। सो शुरू करते हैं जनगण मन। जनगण मन अधिनायक, सो अगर आप ध्यान देंगे सारे ग, अब ग कितनी बार है तो ग है 9 बार। जनगण मन अधिनायक जय हे रे ग म भारत भाग्यवी, यानी ग ग ग रे 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 और धाता। सो व्हाट इज धाता? नी रे सा। आगे चलते हैं पंजाब सिंध गुजरात म, मराठा के म तक आपको बजाना है प पे, पंजाब का प सिर्फ आ रहा है सा पे। पंजाब सिंध गुजरात म और मधप, मिडल इंडेक्स और लिटिल मधप, तो ये क्या बजा? राठा। कंबाइन करेंगे कैसे? मराठा। और द्राविड उत्कल वंग म म म ग ग ग रे म ग, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल वंग। अब विंध्य हिमाचल, अब ध्यान देंगे सब ग पे ही बजा है और उसके बाद सिर्फ रे पे सिंगल स्ट्रोक आ रहा है। विंध्य हिमाचल, सिर्फ ल के लिए लेना है र। यमुना गंगा प प प म म, यमुना गंगा उच्छल जलधित, अब ग ग ग यानी उच्छल
जलधिता के लिए लेना है हमको चार स्ट्रोक रे पे जलधिता, और पहले की ही सेम फ्रेज यानि नीरे सा, और गिनती क्या है उच्छल जलधिता रंग रंग। आप इसको स्लाइड करके लेना चाहते हैं तो स्लाइड करके लीजिए, सिंपल लेना चाहते हैं रंग। इतना समझ में आ गया होगा तो आगे चलते हैं। तव शुभ नामे यानी सारे ग ग ग ग रे ग म, क्या बजा तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष ग म प प प म ग, गिनती तव शुभ आशीष रे मा ग मा गे रे मा ग मा गे। बार बार इसलिए बता रहा हूँ कुछ कुछ फ्रेजेस जो है थोड़े से समझने के लिए डिफिकल्ट जाते, दैट्स व्हाई रिपीट कर रहा हूँ। तव शुभ आशीष मा गे, अब गाहे तव जय रे रे तव जय के लिए सॉरी ग था यहाँ पे, गाहे तव जय ग ग रे 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 नी रे सा गा आ था। और अब जन, अब यहाँ पे सा पे लिए हमने दो स्ट्रोक जन, बाकी सब बजाना है प पे। जन गण मंगल दायक मधप यानी जय हे भारत म म म ग ग ग रे म ग भारत भाग्य विधाता। अब आखिरी वाला सा, सानी सा निदनी धप ध, और क्या बजा जय हे जय हे जय हे। अब सा सा रे रे ग ग रे ग म जय 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 हे, सिंपल सी मेजर स्केल के बेस को लेके आपको जन गण मन सिखाया गया है, ये आपको सीखना है। उसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है आपकी सी मेजर स्केल पक्की कीजिए, सी मेजर स्केल की प्रैक्टिस कीजिए। थैंक यू। मुझे नहीं लगता आपको ये ट्यून से रिलेटेड कुछ बताने की ज़रूरत है। वेरी फेमस ट्यून, हैप्पी बर्थडे टू यू। ये मैंने अभी आपको परफॉर्मेंस दिखाया, इसका ट्यूटोरियल हम नेक्स्ट पार्ट में सीखेंगे। सो स्टे ट्यून विथ नेक्स्ट पार्ट। चलिए अभी सीखेंगे सत्या मूवी से सपने में मिलती है का ट्यूटोरियल। चलिए अभी सीखेंगे सपने में मिलती है फ्रॉम द मूवी सत्या का ट्यूटोरियल। अब आ
आप देखेंगे तो सिर्फ दो स्ट्रिंग का यानी दूसरी और पहली स्ट्रिंग का काम है और 9, 10, 11, 12 नंबर की फ्रेट्स, इसके अलावा कोई भी फ्रेट नहीं और दूसरा कोई भी सुर नहीं है। सो 9 से शुरू हुआ, 9, 11, 12, 11, 12, 11, 12, रिंग लिटिल रिंग लिटिल रिंग लिटिल, फिर इंडेक्स रिंग लिटिल सेकंड स्ट्रिंग पे 9, 11, 12, यही है 3 बार। अब सेकंड टाइम यानी इंडेक्स रिंग लिटिल रिंग लिटिल रिंग इंडेक्स, वापस रिपीट कर रहा हूं, यह है थ्राइस। अब इसके बाद जो हमने सेकंड स्ट्रिंग पे किया था अब वही पहली स्ट्रिंग पे करना है, यानी इंडेक्स रिंग लिटिल रिंग लिटिल रिंग लिटिल, बाद में इंडेक्स रिंग लिटिल, यानी जो हमने सेकंड स्ट्रिंग पे किया था सेम टू सेम वही स्ट्रोक्स वही फिंगर्स और वही फ्रेट्स पहले स्ट्रिंग पे लेने हैं। और इसके बाद लिटिल रिंग सेकंड स्ट्रिंग पे, ये एडिशन है और बाद में वही पहला लूप वापस रिपीट हो रहा है, सब कंबाइन करके बता रहा हूं। ए फ्लैट माइनर स्केल का गाना सपने में मिलती है। शिकू नटरंग उभा या गाण्याचा इंट्रोचा सेक्शन नटरंग सिनेमातून। रिंगला 7वा फ्रेट थर्ड स्ट्रिंग, मिडल 6वा फ्रेट सेकंड स्ट्रिंग, इंडेक्स 5वा फ्रेट फर्स्ट स्ट्रिंग, इथे वाजवायच्या 3 स्ट्रोक फर्स्ट स्ट्रिंगला, मग मिडल लिटिल मिडल 6, 8, 6वा फ्रेट लिटिल आणि इंडेक्स सेकंड स्ट्रिंग 8वा आणि 5वा फ्रेट, आता मिडल इंडेक्स मिडल लिटिल सॉरी रिंग आणि लिटिल दुसरा पहला दुसरा तीसरा चौथा स्ट्रिंग, आता मिडल 6वा फ्रेट थर्ड स्ट्रिंग, आणि रिंग
सातवा फ्रेट थर्ड स्ट्रिंग तीन स्ट्रोक आणि हाच लूप कंटिन्यू चालू आहे. आता रिंग इंडेक्स रिंग, पहिले रिंग होता थर्ड स्ट्रिंग, मग इंडेक्स आणि रिंग सेकंड स्ट्रिंग, मग लिटिल इंडेक्स लिटिल सेकंड फर्स्ट आणि सेकंड स्ट्रिंगला, आठवा आणि पाचव्या फ्रेटला, मग मिडल आणि इंडेक्स सहा आणि पाचव्या फ्रेटला सेकंड स्ट्रिंगवर, सेकंड स्ट्रिंग वरतीच इंडेक्स लिटिल मिडल इंडेक्स आणि हाच लूप दोनदा आहे. आता कंबाईन करून दाखवतो. आणि पुन्हा पहिलाच लूप नटरंग उभा. आज आपण शिकू कांदे पोहे गाण्याचा गिटारचा इंट्रो. चला तर मग आता शिकू कांदे पोहे गाण्याचा ट्युटोरियल. रिंगेला थर्ड स्ट्रिंग दहावा फ्रेट, इथे घ्यायचे दोन स्ट्रोक्स. इंडेक्स गेला आठवा फ्रेट फर्स्ट स्ट्रिंग, लिटिल सेकंड स्ट्रिंग अकरावा फ्रेट, मिडल सेकंड स्ट्रिंग नववा फ्रेट, इंडेक्स आणि मिडल आठ आणि नववा फ्रेट सेकंड स्ट्रिंग. एकदम सिंपल लेसन आहे F मायनर स्केलचं गाणं. तो चलिए अभी सीखेंगे सत्या मूवी से सपने में मिलती है का ट्यूटोरियल. चलिए अभी सीखेंगे सपने में मिलती है फ्रॉम द मूवी सत्या का ट्यूटोरियल. अब आप देखेंगे तो सिर्फ दो स्ट्रिंग का यानी दूसरी और पहली स्ट्रिंग का काम है और 9 10 11 12 नंबर की फ्रेट्स. इसके अलावा कोई भी फ्रेट नहीं और दूसरा कोई भी सुर नहीं है. सो 9 से शुरू हुआ, 9 11 12 11 12 11 12 रिंग लिटिल रिंग लिटिल रिंग लिटिल,
फिर इंडेक्स रिंग लिटिल सेकंड स्ट्रिंग पे 9, 11, 12 यही है 3 बार। अब सेकंड टाइम यानी इंडेक्स रिंग लिटिल रिंग इंडेक्स वापस रिपीट कर रहा हूं। यह है थ्राइस। अब इसके बाद जो हमने सेकंड स्ट्रिंग पे किया था अब वही पहली स्ट्रिंग पे करना है यानी इंडेक्स रिंग लिटिल रिंग लिटिल रिंग लिटिल। बाद में इंडेक्स रिंग लिटिल यानी जो आप हमने सेकंड स्ट्रिंग पे किया था सेम टू सेम वही स्ट्रोक्स वही फिंगर्स और वही फ्रेट्स पहले स्ट्रिंग पे लेने हैं। और इसके बाद लिटिल रिंग सेकंड स्ट्रिंग पे ये एडिशन है और बाद में वही पहला लूप वापस रिपीट हो रहा है। सब कंबाइन करके बता रहा हूं। ए फ्लैट माइनर स्केल का गाना सपने में मिलती है। स्केल का सॉन्ग। चलिए धूम का ट्यूटोरियल सीखते हैं। एकदम सिंपल नीचे के सिर्फ 4 स्ट्रिंग का काम है और 9, 10, 11, 12 ये 4 ही फ्रेट का हमको काम है। बाकी कुछ भी नहीं बजाना है या बाकी स्ट्रिंग पे जाना ही नहीं है। इंडेक्स 3rd स्ट्रिंग फिर लिटिल 2nd स्ट्रिंग 12वां फ्रेट मिडल 10वीं फ्रेट में लिटिल मिडल लिटिल मिडल लिटिल। लिटिल गया 3rd स्ट्रिंग 12वां फ्रेट मिडल 2nd स्ट्रिंग 10वां फ्रेट लिटिल गया 12वां फ्रेट 2nd स्ट्रिंग फिर मिडल 10वीं फ्रेट में फिर लिटिल 12वीं फ्रेट में और मिडल आया 10वीं फ्रेट में। सब कंबाइन करते हैं। और इसी का रिपीटेशन है। अब सिर्फ सेकंड टाइम क्या चेंज आया, मिडल 2nd स्ट्रिंग पे रुक रहा है 10वीं फ्रेट में। ये सेम पहले लूप का रिपीटेशन था और इसमें सिर्फ अब एडिशन हो रहा है। अब लिटिल गया 12वां फ्रेट 4th स्ट्रिंग लिटिल इंडेक्स मिडल लिटिल मिडल मिडल और इंडेक्स आया 3rd स्ट्रिंग 10वां और 9वां फ्रेट। अब लिटिल
मिडल इंडेक्स मिडल इंडेक्स मिडल इंडेक्स, सिर्फ लिटिल चौथे स्ट्रिंग में 12वीं फ्रेट में है। बस इतना ही बजाना है, अब पूरा आराम से कंबाइन करके बता रहा हूं। इसी का बार बार लगातार रिपीटेशन है। दिल जाता मूवी से जिसे ढूंढता हूं का इंट्रो। चलिए तो सीखते हैं। दिल जाता है मूवी से वो लड़की है कहां का ट्यूटोरियल। इंडेक्स लिया हमने छठवें फ्रेट में 5वें स्ट्रिंग में, रिंग जाना है 8वें फ्रेट में 4थे स्ट्रिंग में। अब यहां सिंगल स्ट्रोक और बजा के स्लाइड करना है 10वीं फ्रेट तक, और ये लूप हमको लेना है 4 बार। उसके बाद लिटिल गया 11th फ्रेट सेकंड स्ट्रिंग। सो अब एकदम सिंपल टेक्निक है, 11 10 9 और 8, और नीचे के सिर्फ 2 ही स्ट्रिंग्स का काम है। लिटिल मिडल इंडेक्स मिडल लिटिल इंडेक्स लिटिल, सब कंबाइन कर रहे हैं। अब सेकंड और फर्स्ट लिटिल से ही दबा के रखो और राइट हैंड से, लिटिल लिटिल फिर इंडेक्स लिटिल मिडल इंडेक्स, सब कंबाइन कर रहा हूं। यहां खत्म हो गया और यही से अब शुरू करेंगे। तो सिंगल स्ट्रोक और एक यहां पे ज्यादा बजाना है, यहां तक सब पहले के लूप के जैसा चला था। अब सिर्फ मिडल और लिटिल, अब लिटिल में खत्म हो गया सेकंड स्ट्रिंग में 11वीं फ्रेट में। बस यही रिपीटेशन चल रहा है आगे और 2 बार सिर्फ। सबसे आखिरी में 11वें फ्रेट में सेकंड स्ट्रिंग पे लिटिल पे रुकना, बाकी वही वही रिपीटेशन चल रहा है। तो चलिए सीखते हैं सी मेजर स्केल, एकदम इजी। आपको करना क्या है, 5वां स्ट्रिंग 3rd फ्रेट, यहाँ लेना है रिंग, 4था स्ट्रिंग गया ओपन, उसी में मिडल। आपको मैं टेक्निकली समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, रिंग ओपन मिडल। अगर ये फ्रेज आपको समझ गई तो सेम फ्रेज आपको यूज करनी है 4थे स्ट्रिंग पे, 4था स्ट्रिंग रिंग, 3रा स्ट्रिंग ओपन,
और वापस मिडल, यानी रिंग ओपन मिडल, रिंग ओपन मिडल, सेकंड स्ट्रिंग लीजिए ओपन और उसी में लीजिए इंडेक्स। सो रिंग ओपन मिडल ओपन इंडेक्स, और गिनती है सा रे ग प द नि सा। एक ये जगह है, दूसरा हम सीखेंगे पांचवी फ्रेट में थर्ड स्ट्रिंग पे। यहां लेना है आपको 1 3, सेकंड स्ट्रिंग पे लेना है 1 2 4 और थर्ड स्ट्रिंग पे लेना है 1 3 4। सा रे ग म प द नि सा, इसको आप रिवर्स कीजिए सा नि द प म ग रे सा। और अगर गिनती करके बजाने की आदत लगाओगे तो कल में चल के जब सिंगिंग प्लस प्लेइंग जब करना होगा तो आप सुर में गा भी पाओगे और गा के बजाने के भी आपको आदत लग जाएगी। सो कंपलसरी गाते वक्त बजाने की और बजाते वक्त गाने की आदत लगाइए। सी मेजर स्केल। तो दोस्तों आपको समझ में आ ही गया होगा माचिस मूवी से चप्पा चप्पा चरखा चले का इंट्रो। जी मेजर स्केल का बेहतरीन सॉन्ग। तो चलिए चप्पा चप्पा का ट्यूटोरियल सीखते हैं। इंडेक्स लेना है थर्ड फ्रेट फोर स्ट्रिंग, रिंग गया पांचवी फ्रेट में चौथे ही स्ट्रिंग में। अब यहां लेने हैं 6 स्ट्रोक, फिर लिटिल छठवी फ्रेट में इंडेक्स थर्ड स्ट्रिंग थर्ड फ्रेट, फिर लेना है लिटिल रिंग। अब सब कंबाइन कर रहा हूं। ये हो गया आपका पहला लूप। अब हो गया फिनिश। अब यही रिपीटेशन, ये भी पहले के जैसा ही था। अब यानी रिंग लिटिल, पांचवी और छठवी फ्रेट में रिपीटेशन है और चौथे ही स्ट्रिंग पे चल रहा है। पूरा कंबाइन कर रहा हूं। दूसरे लूप के जैसा यहां तक पहले के जैसा ही था। अब लेना है रिंग इंडेक्स लिटिल, ये लिटिल के बाद लिया रिंग पांचवे स्ट्रिंग पे, लिटिल और रिंग पांचवे स्ट्रिंग में है। फिर लेना है लिटिल और इंडेक्स, लिटिल गया पांचवे स्ट्रिंग में और इंडेक्स है चौथे स्ट्रिंग में, और इसके बाद सेम पहला लूप जी मेजर स्केल का बेहतरीन सॉन्ग चप्पा चप्पा चरखा चले। Thank you.
चरखा चले, चप्प चप्प चरखा चले। तो दोस्तों आपको समझ में आ ही गया होगा माचिस मूवी से चप्पा चप्पा चरखा चले का इंट्रो। जी मेजर स्केल का बेहतरीन सॉन्ग। तो चलिए चप्पा चप्पा का ट्यूटोरियल सीखते हैं। इंडेक्स लेना है थर्ड फ्रेट फोर स्ट्रिंग, अब रिंग गया पांचवी फ्रेट में चौथे ही स्ट्रिंग में। अब यहां लेने हैं छह स्ट्रोक, फिर लिटिल छठवी फ्रेट में इंडेक्स थर्ड स्ट्रिंग थर्ड फ्रेट, फिर लेना है लिटिल रिंग। अब सब कंबाइन कर रहा हूं। ये हो गया आपका पहला लूप। अब हो गया फिनिश। अब यही रिपीटेशन, ये भी पहले के जैसा ही था। अब रिंग लिटिल रिंग लिटिल रिंग लिटिल, पांचवी और छठवी फ्रेट में रिपीटेशन है और चौथे ही स्ट्रिंग पे चल रहा है। पूरा कंबाइन कर रहा हूं। थर्ड लूप में सेम पहले दूसरे लूप के जैसा, यहां तक पहले के जैसा ही था। अब लेना है रिंग लिटिल रिंग इंडेक्स लिटिल, ये लिटिल के बाद लिया रिंग पांचवे स्ट्रिंग पे, लिटिल और रिंग पांचवे स्ट्रिंग में है। फिर लेना है लिटिल और इंडेक्स, लिटिल गया पांचवे स्ट्रिंग में और इंडेक्स है चौथे स्ट्रिंग में, और इसके बाद सेम पहला लूप जी मेजर स्केल का बेहतरीन सॉन्ग चप्पा चप्पा चरखा चले। चलिए आज ट्यूटोरियल नहीं देते, आज सिर्फ कुमार विश्वास जी की जो बहुत फेमस हुई थी कविता कोई पागल समझता है कोई दीवाना कहता है, वही आपको सुनाते हैं। इसका ट्यूटोरियल होना होगा तो लिंक में या कमेंट में जरूर बताएं, इसका ट्यूटोरियल भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा अगर आपकी इच्छा होगी तो। थैंक यू। तो सीखेंगे दोस्तों सनम रे का इंट्रो। एकदम इजी रिफ है, एक दो तीन चार, सिर्फ शुरुआत की चार फ्रेट का काम है और नीचे की तीन स्ट्रिंग का काम है। रिंग लेना है सेकंड स्ट्रिंग थर्ड फ्रेट, अब सेकंड थर्ड, तो थर्ड
थर्ड स्ट्रिंग जा रहा है, ओपन थर्ड स्ट्रिंग, कंटिन्यू ओपन ही जा रहा है, सेकंड थर्ड सेकंड थर्ड। अब लेना है इंडेक्स सेकंड स्ट्रिंग पे ही फर्स्ट फ्रेट में, और इंडेक्स ओपन यानी सेकंड स्ट्रिंग थर्ड स्ट्रिंग सेकंड स्ट्रिंग थर्ड स्ट्रिंग कंबाइन कर रहा हूं। अब यही इंडेक्स फर्स्ट स्ट्रिंग पे चला गया, यहां पे लेना है इंडेक्स फर्स्ट स्ट्रिंग में, और लिटिल लेना है सेकंड स्ट्रिंग फोर्थ फ्रेट। फिर से रिपीट कर रहा हूं। तो आज सीखेंगे दिल है के मानता नहीं मूवी से, दिल है के मानता नहीं सॉन्ग का गिटार का पीस। इंडेक्स लेना है, पहली फ्रेट में पांचवे स्ट्रिंग में, फिर यहां से चौथी फ्रेट, फिर रिंग लिया छठवीं फ्रेट, मिडल गया पांचवी फ्रेट लेकिन चौथे स्ट्रिंग में, और यहां से इसको करना है स्लाइड। और मिडल पे लिए हमने दो स्ट्रोक, वापस एकदम आराम से बता रहा हूं। सेम यही लूप सेकंड टाइम, यानी इंडेक्स पांचवी स्ट्रिंग में पहली फ्रेट में, फिर चौथी फ्रेट में आया, फिर छठवीं फ्रेट में, फिर मिडल गया पांचवी फ्रेट चौथे स्ट्रिंग में, और इसके बाद इंडेक्स लेना है तीसरी फ्रेट में चौथे स्ट्रिंग। और यहां पे हमने लिए तीन स्ट्रोक, दोनों कंबाइन करके दिखा रहा हूं। अब इसी इंडेक्स को हमने शिफ्ट कर दिया पांचवी फ्रेट में चौथे स्ट्रिंग में। चौथे स्ट्रिंग में इंडेक्स मिडल लिटिल, और तीसरे स्ट्रिंग में वापस इंडेक्स, ये चला पांचवे छठवे और आठवीं फ्रेट में, और इंडेक्स आया पांचवी फ्रेट में। अब मिडल इंडेक्स छठवा पांचवा फ्रेट, फिर लिटिल मिडल, ये गया आठवें और छठवीं फ्रेट में चौथे स्ट्रिंग पे, फिर से एकदम आराम से लेते। अब तीसरे और चौथे स्ट्रिंग पे कॉम्बिनेशंस तैयार हो रहे, वापस एक बार पहले की लिंक बता देता हूं फिर आगे चलते। तीसरे स्ट्रिंग पे इंडेक्स चौथे में लिटिल, वापस तीसरा इंडेक्स चौथा लिटिल मिडल इंडेक्स, पांचवा फ्रेट आठवा फ्रेट छठवा और पांचवा फ्रेट, सब कंबाइन कर रहा हूं पहले के साथ, तो आपको भी बराबर लिंक मिलती रहेगी। अब लिटिल
मिडल, लिटिल मिडल, चौथे स्ट्रिंग में, आठवें और छठवीं फ्रेट में। लिटिल मिडल, लिटिल मिडल, इंडेक्स लिटिल। अब इंडेक्स आया चौथी स्ट्रिंग पांचवा फ्रेट और लिटिल गया पांचवी स्ट्रिंग में आठवीं फ्रेट में। सब कंबाइन कर रहा हूं। इतना क्लियर हो गया। अब मिडल इंडेक्स, मिडल इंडेक्स, मिडल लिटिल, मिडल इंडेक्स मिडल, ये गया पांचवी और छठवीं फ्रेट में चौथे स्ट्रिंग में। लिटिल आया आठवीं फ्रेट में पांचवे स्ट्रिंग पे और मिडल गया छठवीं फ्रेट पांचवा स्ट्रिंग, और इसके बाद लेना है चौथी फ्रेट में पांचवे स्ट्रिंग में इंडेक्स। एकदम आराम से बता रहा हूं। यहां से सब कंबाइन करके बता रहा हूं। और इसके बाद इंडेक्स तीसरी फ्रेट पहला स्ट्रिंग, इंडेक्स मिडल, इंडेक्स लिटिल, लिटिल गया सेकंड स्ट्रिंग में। अब लिटिल तीसरे और दूसरे स्ट्रिंग में छठवीं फ्रेट में। मिडल आया चौथा फ्रेट सेकंड स्ट्रिंग, वापस कंबाइन कर रहा हूं। लिटिल इंडेक्स लिटिल मिडल लिटिल, ये चल रहा है तीन से लेके छह फ्रेट के अंदर। अब वापस सब कंबाइन कर रहा हूं। और यही लूप वापस रिपीट हो रहा है। अब लेकिन मिडल रुका सेकंड स्ट्रिंग में चौथी फ्रेट में। दो लूप्स कंबाइन करके बता रहा हूं। और यही लूप और एक बार सेकंड टाइम। इसके बाद लेना है इंडेक्स इंडेक्स इंडेक्स, यानी तीसरी चौथी और छठवीं फ्रेट में। लिटिल गया नौवीं फ्रेट में और ये सब चल रहा है पहले ही स्ट्रिंग में। अब आया रिंग आठवीं फ्रेट में, बाद में उसके बाद इंडेक्स शिफ्ट करना है चौथी फ्रेट में पहले स्ट्रिंग पे। इंडेक्स और रिंग चौथी ब्रेट में और छठवीं ब्रेट में, वापस कंबाइन करके बता रहा हूं। ई फ्लैट मेजर स्केल, दिल है के मानता नहीं। सीखेंगे भूल भुलैया मूवी से तेरी आंखें भूल भुलैया का गिटार का रिफ।
इसमें हमको लेना है पांचवे, छठवे, सातवें और आठवें स्ट्रिंग को ही, और ध्यान देंगे तो तीसरा और चौथा ही स्ट्रिंग का यूज है, पांच, छः, सात, आठ फ्रेट और तीसरा और चौथा स्ट्रिंग। यहाँ इंडेक्स पे लेने हैं आपको पांच स्ट्रोक, फिर रिंग और लिटिल लेना है सातवीं और आठवीं फ्रेट में, वापस इंडेक्स पे पांच स्ट्रोक, मिडल और इंडेक्स लेना है छठवें और पांचवी फ्रेट में चौथे स्ट्रिंग पे। फिर से अब आराम से बजा के बता रहा हूं, एकदम इजी रिफ है सी माइनर स्केल से, तेरी आंखें भूल भुलैया, ये कंटिन्यू मूवी के बैकग्राउंड में बज ही रहा है, प्लस गाने के बैकग्राउंड में भी बज रहा है। आज सीखेंगे दोस्तों रेस सासो की, फ्रॉम द मूवी रेस, गिटार का लीड। गाना एफ माइनर स्केल से, तो चलिए रेस की गिटार लीड के सुर प्लस धुन सीखते हैं। आठवां फ्रेट फर्स्ट स्ट्रिंग, फिर छठवां फ्रेट सेकंड स्ट्रिंग। अब आप ध्यान देंगे, पहला दूसरा, मैंने क्या किया है दोनों फिंगर दबा के ही रखे हैं। अब यही कॉम्बिनेशन सिर्फ नौवीं फ्रेट में लिटिल और इंडेक्स को लेके करना है। वापस एक बार आराम से बजा के दिखा रहा हूं, अब वापस। सो अगर आप ध्यान देंगे तो जो पहला लूप था वही तीसरा लूप है, आराम से बजा के बता रहा हूं। अब मिडल आया सेवंथ फ्रेट फर्स्ट स्ट्रिंग, आफ्टर दैट इसके बाद देखिए इंडेक्स सेकंड स्ट्रिंग सिक्स फ्रेट और लिटिल नाइन्थ फ्रेट में सेकंड स्ट्रिंग पे ही। अब डायरेक्ट जंप है तेरहवीं फ्रेट में, सेम यहां का जो लॉजिक था अब यहां अप्लाई हो रहा है। इंडेक्स लिटिल सिक्स्थ और नाइन्थ फ्रेट, लिटिल गया थर्टीन्थ फ्रेट, फिर लेना है रिंग और इंडेक्स, रिंग आया एलेवंथ फ्रेट में और इंडेक्स आया नाइन्थ फ्रेट में, रिंग फर्स्ट स्ट्रिंग पे, इंडेक्स सेकंड स्ट्रिंग पे। वही लॉजिक वही स्ट्रोक्स, एक दो एक दो एक। अब रिंग की जगह मिडल पहले स्ट्रिंग पे दसवीं फ्रेट में, इंडेक्स उसी जगह पे है यानी नौवीं फ्रेट सेकंड स्ट्रिंग, यानी एक दो एक दो एक। अब मिडल की जगह इंडेक्स लेना है नौवीं फ्रेट में, तो हमने क्या किया इंडेक्स से ही पहले और दूसरे दोनों स्ट्रिंग को साथ में ही दबाया है और अब इंडेक्स फर्स्ट स्ट्रिंग में आठवीं फ्रेट में और सातवीं फ्रेट में, और यहां खत्म होने के बाद
एक स्ट्रोक करना है स्लाइड 7 से लेके 8वीं फ्रेट तक। अब यही कंटिन्यूटी में लेकिन आराम से बजा के दिखा रहा हूं। एफ माइनर स्केल का गाना तो आज सीखेंगे दोस्तों तेरे नाम का गिटार का इंट्रो। रिंग थर्ड स्ट्रिंग सिक्स फ्रेट, इंडेक्स थर्ड स्ट्रिंग और सेकंड स्ट्रिंग दोनों को साथ में दबाना है चौथी फ्रेट में। यहाँ लेना है सिंगल स्ट्रोक, यानी सिंगल स्ट्रोक इंडेक्स सेकंड स्ट्रिंग सिंगल स्ट्रोक, और थर्ड स्ट्रिंग जब बजाना है तो इंडेक्स पे लेने हैं दो स्ट्रोक। और ये सीक्वेंस बजाना है टोटल 5 times 5 बार, कंटिन्यू में 5 बार बजा के बता रहा हूं। 5वीं बार बजा नहीं कि हाथों हाथ आपका गिटार का नेक्स्ट पीस शुरू हो जा रहा है 8वीं फ्रेट थर्ड स्ट्रिंग मिडल, और यहां से आप ध्यान दीजिएगा मिडल लेना है थर्ड स्ट्रिंग 8th फ्रेट मिडल, रिंग गया 9th फ्रेट, इंडेक्स लेना है 7th फ्रेट सेकंड स्ट्रिंग, और रिंग लेना है 9th फ्रेट में सेकंड स्ट्रिंग पे। ये सीधे सीधे सिंपल चले मिडल रिंग इंडेक्स रिंग। इसके बाद इंडेक्स को 7वीं फ्रेट में रख के हैमर करना है रिंग से और पुल ऑफ करना है। और वहीं पे इंडेक्स पे लेने हैं 2 स्ट्रोक। वापस बहुत आराम से रिपीट कर रहा हूं। अब यही इंडेक्स गया 6th फ्रेट में फर्स्ट स्ट्रिंग में। हमने क्या किया, इंडेक्स को स्लाइड किया 7th फ्रेट तक और वापस आए 6th फ्रेट में। देन लेना है लिटिल मिडल, लिटिल मिडल होने के बाद इंडेक्स मिडल और इंडेक्स वही हैमर और पुल ऑफ करना है। और यहां अब लिटिल की जगह हम रिंग लेंगे सेकंड स्ट्रिंग में 9वीं फ्रेट में, और यहां पे लेने हैं 2 स्ट्रोक। वापस रिपीट कर रहा हूं और वापस वही लूप, अब लेकिन स्लाइड चेंजेस है। अब हमने क्या किया, 7वीं फ्रेट से लेके 9वीं फ्रेट तक हमने किया है स्लाइड, ये प्लेन बजा मिडल रिंग इंडेक्स रिंग। अब 7 से लेके 9 तक पहले स्लाइड और वहीं पे 2 स्ट्रोक। अब इंडेक्स को फर्स्ट स्ट्रिंग पे किया स्लाइड 6 से लेके 7 फ्रेट तक, इंडेक्स इंडेक्स रिंग इंडेक्स, यहां पे
दो स्ट्रोक लेने हैं सेकंड स्ट्रिंग पे सेवंथ फ्रेट में। अब रिंग लिया नौवीं फ्रेट में, फिर यहाँ इंडेक्स और रिंग का हैमर और पुल ऑफ, और उसके बाद हमको जाना है पांचवी फ्रेट और चौथी फ्रेट में सेकंड स्ट्रिंग पे, और यहाँ इंडेक्स को करना है उल्टा स्लाइड। सब कंबाइन करके बता रहा हूं, वापस रिपीट कर रहा हूं। और इसके बाद लेना है रिंग फर्स्ट रिंग पे नौवीं फ्रेट, इंडेक्स सेवंथ फ्रेट में, और लिटिल इलेवंथ ग्यारहवीं फ्रेट में। ये टोटल सीक्वेंस है चार बार, यानी एफ शार्प मेजर का सॉन्ग। आज सीखेंगे दोस्तों रेस सासो की, फ्रॉम द मूवी रेस, गिटार का लीड। गाना एफ माइनर स्केल से। तो चलिए रेस की गिटार लीड के सुर प्लस धुन सीखते हैं। आठवा फ्रेट फर्स्ट स्ट्रिंग, फिर छठवा फ्रेट सेकंड स्ट्रिंग। अब आप ध्यान देंगे, पहला दूसरा, मैंने क्या किया है दोनों फिंगर दबा के ही रखे हैं। अब यही कॉम्बिनेशन सिर्फ नौवीं फ्रेट में लिटिल और इंडेक्स को लेके करना है। वापस एक बार आराम से बजा के दिखा रहा हूं। अब वापस, सो अगर आप ध्यान देंगे तो जो पहला लूप था वही तीसरा लूप है, आराम से बजा के बता रहा हूं। अब मिडल आया सेवंथ फ्रेट फर्स्ट स्ट्रिंग। आफ्टर दैट इसके बाद देखिए इंडेक्स सेकंड स्ट्रिंग सिक्स फ्रेट और लिटिल नाइन्थ फ्रेट में सेकंड स्ट्रिंग पे ही। अब डायरेक्ट जंप है तेरहवीं फ्रेट में। सेम यहां का जो लॉजिक था अब यहां अप्लाई हो रहा है। इंडेक्स लिटिल सिक्स्थ और नाइन्थ फ्रेट, लिटिल गया थर्टीन फ्रेट, फिर लेना है रिंग और इंडेक्स। रिंग आया इलेवंथ फ्रेट में और इंडेक्स आया नाइन्थ फ्रेट में। रिंग फर्स्ट स्ट्रिंग पे, इंडेक्स सेकंड स्ट्रिंग पे। वही लॉजिक, वही स्ट्रोक्स, एक दो एक दो एक। अब रिंग की जगह मिडल पहले स्ट्रिंग पे दसवीं फ्रेट में, इंडेक्स उसी जगह पे है यानी नौवीं फ्रेट सेकंड स्ट्रिंग, यानी एक दो एक दो एक। अब मिडल की जगह इंडेक्स लेना है नौवीं फ्रेट में, तो हमने क्या किया इंडेक्स से ही पहले और दूसरे दोनों स्ट्रिंग को साथ में ही दबाया है। और अब
इंडेक्स फर्स्ट स्ट्रिंग में, आठवीं फ्रेट में और सातवीं फ्रेट में, और यहाँ ख़त्म होने के बाद एक स्ट्रोक करना है स्लाइड सात से लेके आठवीं फ्रेट तक। अब यही कंटिन्यूटी में लेकिन आराम से बजा के दिखा रहा हूँ। एफ माइनर स्केल का गाना, आज सीखेंगे तेरा इंतजार है, एल्बम से राहुल वैद्य के तेरा इंतजार है यही सॉन्ग। ए मेजर स्केल का बेहतरीन सॉन्ग तेरा इंतजार है। दसवीं फ्रेट में फर्स्ट स्ट्रिंग पे आपको लेना है लिटिल, फिर नाइन्थ फ्रेट में रिंग, सेकंड स्ट्रिंग में टेंथ फ्रेट में लिटिल और एट्थ फ्रेट में मिडल। यही सीक्वेंस आपको बजाना है 18 टाइम्स। मैं आराम से 5-6 बार बजा के दिखाता हूँ आपको टाइमिंग के लिए। ये टोटल सीक्वेंस वापस रिपीट कर रहा हूँ, 18 बार आपको ये रिपीट करना है। आफ्टर दैट इसके बाद आपको लेना है 7th फ्रेट में 5वें स्ट्रिंग पे रिंग, 4th स्ट्रिंग में 5th फ्रेट में इंडेक्स मिडल रिंग, क्रोमेटिक नोट्स है। ये लेना है 3 बार सीक्वेंस, वापस रिपीट कर रहा हूँ। 7th फ्रेट में रिंग, फिर 5वीं फ्रेट में इंडेक्स, 6वीं फ्रेट में मिडल, 7वीं फ्रेट में रिंग। रिंग था 5वें स्ट्रिंग पे, इंडेक्स मिडल रिंग 4थे स्ट्रिंग में। ये लेना है थ्राइस 3 बार। इसके बाद सातवीं फ्रेट से 9वीं फ्रेट तक स्लाइड करना है रिंग से पहले स्ट्रिंग पे, और यहां पे लेने हैं 2 स्ट्रोक। इंडेक्स आया 7 फ्रेट, फिर इंडेक्स गया सेकंड स्ट्रिंग 7 फ्रेट, और मिडल गया 8 फ्रेट में सेकंड स्ट्रिंग पे। वापस रिपीट कर रहा हूं। इसके बाद 5वीं फ्रेट में मिडल 5वें स्ट्रिंग पे, 5वीं फ्रेट में मिडल 5वें स्ट्रिंग पे, फिर लिटिल 7वीं फ्रेट में 5वें ही स्ट्रिंग पे। अब इंडेक्स और मिडल लेना है 4थी और 5वीं फ्रेट में 4थे स्ट्रिंग पे। ये लूप होने के बाद नेक्स्ट लूप है, अब आया मिडल 5वीं फ्रेट, लिटिल 7वीं फ्रेट 5वें स्ट्रिंग पे, और लिटिल मिडल लेना है 7वीं और 5वीं फ्रेट में 4थे स्ट्रिंग पे। अब इनको सबको कंबाइन करते हैं। समझ में आ गया होगा आपको। इसके बाद लेना है 8वीं फ्रेट में सेकंड स्ट्रिंग पे इंडेक्स,
इंडेक्स मिडल, मिडल गया नौवीं फ्रेट में तीसरे स्ट्रिंग पे, इंडेक्स मिडल इंडेक्स, और वापस लेना है नीचे पहली तार में वापस मिडल। तो ये मिडल पे लेने हैं हमको तीन स्ट्रोक। अब जंप है इंडेक्स से सातवीं फ्रेट में, इंडेक्स मिडल लिटिल, वापस इसको रिपीट कर रहा हूं। इंडेक्स सातवीं फ्रेट में फर्स्ट स्ट्रिंग पे, फिर मिडल आठवीं फ्रेट में सेकंड स्ट्रिंग पे, और लिटिल लेना है नौवीं फ्रेट में सेकंड स्ट्रिंग पे, कंबाइन कर रहा हूं। इसके बाद यही लिटिल से कंटिन्यूटी लेनी है, ये लूप बजाना है दो बार, लिटिल इंडेक्स लिटिल मिडल लिटिल, लिटिल था सेकंड स्ट्रिंग, इंडेक्स फर्स्ट स्ट्रिंग, वापस लिटिल सेकंड स्ट्रिंग, मिडल सेकंड स्ट्रिंग, लिटिल सेकंड स्ट्रिंग, यही अब आराम से बजा के बता रहा हूं कंटिन्यूटी में। ये लेना है दो बार, ए मेजर का सॉन्ग। तो दोस्तों आज सीखेंगे इंट्रो म्यूजिक इट्स मैजिक सॉन्ग फ्रॉम द मूवी कोई मिल गया। तो चलिए सीखते हैं, एकदम इजी सिंपल लेसन है, पांचवी छठवीं सातवीं और आठवीं ही फ्रेट्स का काम है, प्लस ऊपर की सिर्फ तीन स्ट्रिंग्स बज रही है, यानी सिक्स फिफ्थ और फोर्थ ही स्ट्रिंग का काम है। लेसन शुरू हो रहा है फिफ्थ स्ट्रिंग फिफ्थ फ्रेट, इंडेक्स लिटिल रिंग पांचवी फ्रेट आठवीं फ्रेट, और चौथे स्ट्रिंग पे आया सेवंथ फ्रेट में। अब यहां पे हमको हैमर करना है, बजाना है रिंग पे और लिटिल से हैमर करना है चौथी स्ट्रिंग में सातवीं फ्रेट में और आठवीं फ्रेट में, वापस सॉरी। अब लेना है रिंग और लिटिल, रिंग आया सेवंथ फ्रेट फोर्थ स्ट्रिंग, और लिटिल आया एट फ्रेट फिफ्थ स्ट्रिंग। यही रिपीट हुआ ट्वाइस। अब लेना है रिंग फिफ्थ स्ट्रिंग सेवंथ फ्रेट, रिंग पे आए दो स्ट्रोक, लिटिल सिंगल स्ट्रोक, फिर लिया रिंग सेवंथ फ्रेट फिफ्थ स्ट्रिंग, इंडेक्स फिफ्थ फ्रेट फिफ्थ स्ट्रिंग, और लिटिल एट फ्रेट सिक्स स्ट्रिंग। अब वापस लिटिल पे ही खत्म हुआ और लिटिल से ही शुरू हो रहा, लिटिल इंडेक्स लिटिल इंडेक्स, लिटिल आया सिक्स फ्रेट में सॉरी सिक्स स्ट्रिंग और एट फ्रेट, लिटिल सिक्स स्ट्रिंग एट फ्रेट, इंडेक्स फिफ्थ स्ट्रिंग फिफ्थ फ्रेट, वापस लिटिल एट फ्रेट में, और इंडेक्स आया पांचवी फ्रेट छठवां स्ट्रिंग।
यही सब कंबाइन करते हैं। सीखेंगे फिजा सिनेमा से तू हवा है फिजा है का इंट्रो, बहुत बेहतरीन कंपोजिशन अन्नु मलिक सर का। चलिए इसमें हमको काम है 6, 7, 8, 9 और 10वीं फ्रेट तक, और सिर्फ नीचे की 3 ही स्ट्रिंग का इसमें यूज है, इंडेक्स 6th फ्रेट 3rd स्ट्रिंग, मिडल 7th फ्रेट 2nd स्ट्रिंग, लिटिल 9th फ्रेट 2nd स्ट्रिंग, यही लिटिल गया 10वीं फ्रेट में। वापस अब लेना है रिंग इंडेक्स, रिपीट कर रहा हूं, अब लेना है रिंग लिटिल रिंग इंडेक्स 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 रिंग। और रिंग पे लेने हैं हमको 9th फ्रेट में 4 स्ट्रोक, कंबाइन कर रहा हूं सब। इसके बाद अब लेना है इंडेक्स 3rd स्ट्रिंग 6th फ्रेट, फिर इंडेक्स 2nd स्ट्रिंग, फिर मिडल 7th फ्रेट, लिटिल 9th फ्रेट, ये सब चल रहा है 2nd स्ट्रिंग पे, फिर मिडल लिटिल मिडल इंडेक्स सब बजाना है 2nd स्ट्रिंग पे, फिर से रिपीट कर रहा हूं। अब रिंग आया 8th फ्रेट में 3rd स्ट्रिंग में, और इंडेक्स 6th फ्रेट 2nd स्ट्रिंग में। अब लेना है मिडल 7th फ्रेट में 1, 2, 3, 4, यहां पे आएंगे 4 स्ट्रोक, सब कंबाइन कर रहा हूं, पहला और दूसरा दोनों लूप। डायरेक्ट जंप है 7th फ्रेट 1st स्ट्रिंग, यहां पे लेना है दो स्ट्रोक 7th फ्रेट में, फिर रिंग लेना है 9th फ्रेट में, फिर लिटिल 10th फ्रेट 1st स्ट्रिंग, रिंग 9th फ्रेट 1st स्ट्रिंग, और इंडेक्स 7th फ्रेट 1st स्ट्रिंग, ये सब चल रहा है पहले ही स्ट्रिंग पे। अब लिटिल गया 10th फ्रेट 2nd स्ट्रिंग, 2 स्ट्रोक लिटिल पे,
इंडेक्स, सेवंथ फ्रेट फर्स्ट स्ट्रिंग, रिंग नाइन्थ फ्रेट फर्स्ट स्ट्रिंग, देन इंडेक्स सेवंथ फ्रेट फर्स्ट स्ट्रिंग और लिटिल टेंथ फ्रेट सेकंड स्ट्रिंग, सब कंबाइन कर रहा हूं। अब रिंग लिया नाइन्थ फ्रेट में, यहां लेने हैं दो स्ट्रोक, रिंग नाइन्थ फ्रेट में, इंडेक्स सेवन फ्रेट, ये सब चल रहा है आप सेकंड स्ट्रिंग में। इतना होने के बाद लिटिल दसवीं फ्रेट, फिर रिंग नौवीं फ्रेट, लिटिल दसवां फ्रेट, रिंग नौवां फ्रेट, लिटिल दसवें फ्रेट में सेकंड स्ट्रिंग पे। इसके बाद डायरेक्ट जंप है सिक्स फ्रेट सेकंड स्ट्रिंग, फिर सिक्स फ्रेट और सेवन फ्रेट सेकंड स्ट्रिंग पे इंडेक्स इंडेक्स, सब कंबाइन कर रहा हूं। वापस लेना है एफ शार्प माइनर स्केल का गाना, तू हवा है फिजा है। सीखेंगे तेरा इंतजार है एल्बम से राहुल वैद्य के, तेरा इंतजार है यही सॉन्ग। स्केल का बेहतरीन सॉन्ग तेरा इंतजार है। दसवीं फ्रेट में फर्स्ट स्ट्रिंग पे आपको लेना है लिटिल, फिर नाइन्थ फ्रेट में रिंग, सेकंड स्ट्रिंग में टेंथ फ्रेट में लिटिल और एट्थ फ्रेट में मिडल, यही सीक्वेंस आपको बजाना है 18 टाइम्स। मैं आराम से 5-6 बार बजा के दिखाता हूँ आपको टाइमिंग के लिए। ये टोटल सीक्वेंस वापस रिपीट कर रहा हूँ 18 बार आपको ये रिपीट करना है। आफ्टर दैट इसके बाद आपको लेना है सेवन फ्रेट में पांचवे स्ट्रिंग पे रिंग, फोर्थ स्ट्रिंग में फिफ्थ फ्रेट में इंडेक्स मिडल रिंग, क्रोमेटिक नोट्स है। ये लेना है 3 बार सीक्वेंस, वापस रिपीट कर रहा हूं। सातवीं फ्रेट में रिंग, फिर पांचवी फ्रेट में इंडेक्स, छठवीं फ्रेट में मिडल, सातवीं फ्रेट में रिंग। रिंग था पांचवे स्ट्रिंग पे, इंडेक्स मिडल रिंग चौथे स्ट्रिंग में, ये लेना है थ्राइस 3 बार। इसके बाद सातवीं फ्रेट से नौवीं फ्रेट तक स्लाइड करना है रिंग से पहले स्ट्रिंग पे, और यहां पे लेने हैं 2 स्ट्रोक। इंडेक्स आया सेवन फ्रेट, फिर इंडेक्स गया सेकंड स्ट्रिंग सेवन फ्रेट, और मिडल गया 8 फ्रेट में सेकंड स्ट्रिंग पे। वापस रिपीट कर रहा हूं।
इसके बाद पांचवी फ्रेट में मिडल पांचवे स्ट्रिंग पे, पांचवी फ्रेट में मिडल पांचवे स्ट्रिंग पे, फिर लिटिल सातवी फ्रेट में पांचवे ही स्ट्रिंग पे। अब इंडेक्स और मिडल लेना है चौथी और पांचवी फ्रेट में चौथे स्ट्रिंग पे। ये लूप होने के बाद नेक्स्ट लूप है, अब आया मिडल पांचवी फ्रेट, लिटिल सातवी फ्रेट पांचवे स्ट्रिंग पे, और लिटिल मिडल लेना है सातवीं और पांचवी फ्रेट में चौथे स्ट्रिंग पे। अब इनको सबको कंबाइन करते हैं, समझ में आ गया होगा आपको। इसके बाद लेना है आठवीं फ्रेट में सेकंड स्ट्रिंग पे इंडेक्स, इंडेक्स मिडल, मिडल गया नौवीं फ्रेट में तीसरे स्ट्रिंग पे, इंडेक्स मिडल इंडेक्स, और वापस लेना है नीचे पहली तार में वापस मिडल। तो ये मिडल पे लेने हैं हमको तीन स्ट्रोक। अब जंप है इंडेक्स से सातवीं फ्रेट में, इंडेक्स मिडल लिटिल, वापस इसको रिपीट कर रहा हूं। इंडेक्स सातवीं फ्रेट में फर्स्ट स्ट्रिंग पे, फिर मिडल आठवीं फ्रेट में सेकंड स्ट्रिंग पे, और लिटिल लेना है नौवीं फ्रेट में सेकंड स्ट्रिंग पे, कंबाइन कर रहा हूं। इसके बाद यही लिटिल से कंटिन्यूटी लेनी है, ये लूप बजाना है दो बार, लिटिल इंडेक्स लिटिल मिडल लिटिल, लिटिल था सेकंड स्ट्रिंग, इंडेक्स फर्स्ट स्ट्रिंग, वापस लिटिल सेकंड स्ट्रिंग, मिडल सेकंड स्ट्रिंग, लिटिल सेकंड स्ट्रिंग। यही अब आराम से बजा के बता रहा हूं कंटिन्यूटी में, ये लेना है दो बार। ए मेजर का सॉन्ग, आज सीखेंगे तेरा इंतजार है एल्बम से राहुल वैद्य के, तेरा इंतजार है यही सॉन्ग। स्केल का बेहतरीन सॉन्ग तेरा इंतजार है। दसवीं फ्रेट में फर्स्ट स्ट्रिंग पे आपको लेना है लिटिल, फिर नाइन्थ फ्रेट में रिंग, सेकंड स्ट्रिंग में टेंथ फ्रेट में लिटिल, और एट्थ फ्रेट में मिडल। यही सीक्वेंस आपको बजाना है 18 टाइम्स। मैं आराम से 5-6 बार बजा के दिखाता हूँ आपको टाइमिंग के लिए। ये टोटल सीक्वेंस वापस रिपीट कर रहा हूँ 18 बार आपको ये रिपीट करना है। आफ्टर दैट इसके बाद आपको लेना है 7th फ्रेट में पांचवे स्ट्रिंग पे रिंग, 4th स्ट्रिंग में 5th फ्रेट में इंडेक्स मिडल रिंग, क्रोमेटिक नोट्स है। ये लेना है 3 बार सीक्वेंस, वापस रिपीट कर रहा हूं।
सातवीं फ्रेट में रिंग, फिर पांचवीं फ्रेट में इंडेक्स, छठवीं फ्रेट में मिडल, सातवीं फ्रेट में रिंग। रिंग था पांचवें स्ट्रिंग पे, इंडेक्स मिडल रिंग चौथे स्ट्रिंग में। ये लेना है थ्राइस, तीन बार। इसके बाद सातवीं फ्रेट से नौवीं फ्रेट तक स्लाइड करना है रिंग से पहले स्ट्रिंग पे, और यहां पे लेने हैं दो स्ट्रोक। इंडेक्स आया सेवन फ्रेट, फिर इंडेक्स गया सेकंड स्ट्रिंग सेवन फ्रेट, और मिडल गया एट फ्रेट में सेकंड स्ट्रिंग पे। वापस रिपीट कर रहा हूं। इसके बाद पांचवी फ्रेट में मिडल पांचवे स्ट्रिंग पे, पांचवी फ्रेट में मिडल पांचवे स्ट्रिंग पे, फिर लिटिल सातवीं फ्रेट में पांचवे ही स्ट्रिंग पे। अब इंडेक्स और मिडल लेना है चौथी और पांचवी फ्रेट में चौथे स्ट्रिंग पे। ये लूप होने के बाद नेक्स्ट लूप है। अब आया मिडल पांचवी फ्रेट, लिटिल सातवीं फ्रेट पांचवे स्ट्रिंग पे, और लिटिल मिडल लेना है सातवीं और पांचवी फ्रेट में चौथे स्ट्रिंग पे। अब इनको सबको कंबाइन करते हैं। समझ में आ गया होगा आपको। इसके बाद लेना है आठवीं फ्रेट में सेकंड स्ट्रिंग पे इंडेक्स, इंडेक्स मिडल, मिडल गया नौवीं फ्रेट में तीसरे स्ट्रिंग पे, इंडेक्स मिडल इंडेक्स, और वापस लेना है नीचे पहली तार में वापस मिडल। ये मिडल पे लेने हैं हमको तीन स्ट्रोक। अब जंप है इंडेक्स से सातवीं फ्रेट में, इंडेक्स मिडल लिटिल। वापस इसको रिपीट कर रहा हूं। इंडेक्स सातवीं फ्रेट में फर्स्ट स्ट्रिंग पे, फिर मिडल आठवीं फ्रेट में सेकंड स्ट्रिंग पे, और लिटिल लेना है नौवीं फ्रेट में सेकंड स्ट्रिंग पे। कंबाइन कर रहा हूं। इसके बाद यही लिटिल से कंटिन्यूटी लेनी है। ये लूप बजाना है दो बार, लिटिल इंडेक्स लिटिल मिडल लिटिल। लिटिल था सेकंड स्ट्रिंग, इंडेक्स फर्स्ट स्ट्रिंग, वापस लिटिल सेकंड स्ट्रिंग, मिडल सेकंड स्ट्रिंग, लिटिल सेकंड स्ट्रिंग। यही अब आराम से बजा के बता रहा हूं कंटिन्यूटी में। ये लेना है दो बार। ए मेजर का सॉन्ग।